दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप एमएस वर्ड में इस टाइप का बिल कैसे बना सकते हैं। ये तो एक तरीका है, इससे भी आप अच्छे अच्छे बिल बना सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, यदि आप इन तरीके को समझ जाते हैं तो आप इससे भी अच्छे अच्छे बिल बना सकते हैं आसानी से एमएस वर्ड में। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि बिल किस तरीके से बनाए, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पे कुछ बिल बनाया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, इसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस हो जाता है, यहाँ पार्टी नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यानी आप यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह डाल सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे टोटल पैसे कितने अमाउंट बनना वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ऑनर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके बाद सिग्नेचर आपका यहाँ पे लिख सकते हो सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके बिल आपको कैसे बनाना है एमएस वर्ड में बहुत ही जल्दी आप बना सकते हो। तो चलो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में एक खाली पेज ले लेना। चलो मैं यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। देख सकता दोस्तों मैंने ब्लैंक पेज को ले लिया। ब्लैंक पेज लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते इस तरीके से पेज ले आओ। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा साइज। आपको सबसे पहले साइज को सेट करना होगा। दोस्तों जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यदि आप इस तरीके से बिल बनाते हो तो आप कोई भी बिल का डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कैसा भी बिल बना सकते हैं, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, आपका बिल प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे साइज के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे साइज को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले जो पेज की बात होती है, सबसे पहले आपको पेज का साइज को सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली मैं A4 साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप A5 का भी बना सकते हैं, वो आप पहले देख ले कि हमारे पास पेज कौन सा दिया। प्रिंटर वगैरह कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देख ले हमारे पास कौन सा पेज है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे साइज को चूज करें। इसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A4 साइज को चूज कर लेता हूँ। A4 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा मार्जिन। मैं सिंपली यहाँ पे मार्जिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मार्जिन के ऊपर क्लिक करने और आप यहाँ से सेट कर लेना नैरो। नैरो का मतलब ये होता है, यदि आप नैरो मार्जिन सेट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका जो पेज होता है पेज के चारों तरफ आप यहाँ पे मार्जिन बराबर रहेगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पे बराबर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नैरो पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे दिखाई देगा ओरिएंटेशन। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने पेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपका पेज किस टाइप का, कहीं आपका पेज लैंडस्केप तो नहीं है, लैंडस्केप होगा तो यहाँ पे बिल वगैरह नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करके पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक कर देना है। वैसे तो यहाँ पे सेट रहता है, फिर भी दोस्तों यदि सेट नहीं रहता तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने तीन सेटिंग कर ली। तीन सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना, अब आपको अपने पेज को थोड़ा छोटा करना होगा। तो कैसे करेंगे, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ऑप्शन ये है कि आपको पे दिखाई देगा यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन सबसे नीचे देखेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे माइनस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते जाना इस तरीके से, तो आपका पेज यहाँ पे छोटा होता चला जाएगा। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना, दबा के रखना, और आपका जो माउस होता है, माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है, पहिया जिसे हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, उसको आपको इस तरीके से नीचे करना। नीचे करेंगे तो आपका पेज यहाँ पे छोटा हो जाएगा। यदि आप उसी पहिए को ऊपर करेंगे देख सकते हैं, तो आपका पेज यहाँ पे बड़ा होता चला जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमने पेज का साइज यहाँ पे छोटा कर लिया। पेज का साइज छोटा करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसमें बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर कैसे देंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा पेज बॉर्डर। तो मैं सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा पेज बॉर्डर, ठीक। आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल दिखाई देंगे, आप यहाँ पे कौन सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पेज के चारों तरफ जो बॉर्डर होता है वो आप कौन सा लगाना चाहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे दो तीन लाइन दिखाई देगी, जैसे सकते डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, इस तरह की डिजाइन दिखाई देगी, तो आप किस टाइप का लगाना चाहते हैं। मैं सिंपल बना रहा हूँ अभी, तो ठीक है, तो मैं सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसका दोस्तों आपके यहाँ पे दिखाई देगा विड्थ, यानी आप विड्थ यानी जो लाइन होती है हमारी, जो बॉर्डर लगा रहा हूँ उसकी जो आउटलाइन है कितनी मोटी रखना चाहते हैं। तो मैं सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से, यानी 4.5 × 1/2 PT, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और पेज की चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर लगा देना। इसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना। दोस्तों जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे आपके पेज पर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे सेट हो चुका है। दोस्तों आपने इतना तो यहाँ पे कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपको इसमें कलर देना होगा। आप किस कलर का बिल बनाना चाहते हैं, जो भी आप कलर लेना चाहते हो उस कलर का आप सिंपली बना सकते हैं। कलर कैसे देंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई देगा पेज कलर,
ठीक है। तो आपको सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे पेज का कलर दे सकते हैं, जैसे ये देना है, ये वाला देना है, इस तरीके का देना है। ठीक है, हम इस टाइप का बिल बनाने जा रहे हैं, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं आपको ये बिल दिखा भी देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पे कलर वगैरह भी सेट कर लिया और यहाँ पे हमने बॉर्डर वगैरह भी रख लिया। अब आपको क्या करना, आपको यहाँ पे लिखना होगा, सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं GST नंबर वगैरह लिखा है, इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह लिखा है, इसके बाद जो आपका यहाँ पे जो भी आपका सेंटर वगैरह जो आपकी कंपनी का नाम है वो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे साइज को सिलेक्ट कर लेना, आप कितने साइज में लिखना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे साइज को कर दूँगा 14, देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 14 साइज में लिखूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा GST नंबर। तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे GST नंबर लिख लेता हूँ। दोस्तों लिखता नहीं हूँ मैं, लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं सिंपली वहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने पहले से लिख के रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, मैंने बना के रखा ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यदि दोस्तों मैं लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, देख सकते हैं। अभी तो आपको यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा पेज बड़ा कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे GST नंबर लिख लिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ बिल। GST नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको थोड़ा हट के लिखना है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। जैसे आपने क्या करना है, आपका यहाँ पे कर्सर है तो आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन को दबाना है इस तरीके से। जितनी बार आप टैब दबाएंगे आपका जो कर्जर होगा आगे बढ़ता चला जाएगा, देख सकते हैं। अब आपको मोबाइल नंबर को कॉपी कर लेना है, यानी लिख लेना है। मैं तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। तो मैं सिंपली यहाँ से मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे GST नंबर भी डल चुका और आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डल चुका। दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल नंबर का साइन भी लगा सकते हैं, यदि आप साइन लगाना चाहते हो तो आपको डाउनलोड करके आप सिंपली लगा सकते हैं। मैं तो दोस्तों आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सैंपल बता रहा हूँ, आप इससे भी अच्छे अच्छे बिल बना सकते हैं। यदि जो मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को आप समझ गए तो आप इससे भी अच्छे अच्छे बिल बना सकते हैं आसानी से, ठीक। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको देखो मैं आपको बिल में दिखाता हूँ, यानी आप इस बिल में देखेंगे तो आप अब ले रहे हैं यहाँ पे सर्कल, देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सेप से ले लूँगा, जो आपका इस तरीके से सेप से वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो कैसे लेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। यानी सेप से लेने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सेडिंग लाइन दे दूँगा। तो कैसे देंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सिंपली क्या करूँ यहाँ पे इस तरीके से एंटर को क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखना GSR बजरंग कंप्यूटर, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल में लिख लेता हूँ, जो आपकी इच्छा करो उसमें आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तो यहाँ पे कैपिटल में लिख लेता हूँ GSR बजरंग कंप्यूटर, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो इसका साइज है, साइज इसका मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा, इस तरीके से देख सकते हैं। यानी साइज बड़ा हुआ तो आपका अच्छा भी यहाँ पे लगेगा, देख सकते हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको आगे क्लिक करके और स्पेस कर दूँगा तो आपका ये बीच में सेट हो जाएगा, देख सकते हैं बीच में सेट हो चुका है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको इसमें सेटिंग देनी होगी, यानी जो इसको जो भी कलर है ना अंदर का, इस तरीके से इसको देना होगा। कैसे देंगे, चलो मैं आपको बता दूँ। इसको आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने का दोस्तों आपके यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से। यानी सेटिंग आपको सिंपली इसको पर यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ, जैसे ब्लैक मैंने यहाँ पे दे दिया, देख सकते हैं इस तरीके से ब्लैक दे दिया। तो अभी आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखो आपने यहाँ पे ये भी सेट कर लिया। अब देखो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे ये भी सेट कर लिया। अभी आप चाहो तो इसको बड़ा भी थोड़ा कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इतना यहाँ पे सिलेक्ट किया, और भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपका ये अंडर का कलर है, ठीक है। जैसे लिखा GSR वगैरह, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, मैं तो अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है। इसके बाद मुझे क्या करना, देखो मैंने ये भी यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। चलो मैं यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी यहाँ से कॉपी करके और मैं लिख देता हूँ। दोस्तों मैं लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे वीडियो लंबी हो चुकी है इसीलिए, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया और मैं सिंपली उसमें बिल में जाके यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसका जो साइज मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा, मैंने यहाँ पे कर लूँगा 14, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 14 कर लिया। इसके बाद मैं सिंपली कंट्रोल वी कर दूँगा, तो मेरा एड्रेस है इस तरीके से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, देख सकते हैं। तो मेरा एड्रेस भी यहाँ पे कॉपी हो चुका है। दोस्तों अभी आप देखें जो आपका एड्रेस है थोड़ी दूरी पे, तो आप इसको पास भी कर सकते हैं। पास कैसे करें, चलो मैं आपको बता दूँ। पास करने के लिए आपको क्या करना, आपको इस तरीके से इसको सबको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से आफ्टर, आफ्टर के नीचे इस तरीके से क्लिक कर देना है, तो आपका 0 PT हो जाएगा, ठीक है। 0 PT होगा तो आपका देख सकते हैं पास पास में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी कॉपी कर लिया। अब देखो आपको यहाँ पे डालना है सीरियल नंबर, इसके बाद डेट डालनी है। तो आप कैसे डालेंगे, आपको सिंपली क्या करना, मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर चलो मैं डाल ही देता हूँ, कॉपी क्या करूँगा,
यहाँ से थोड़ा एंटर करता हूँ एक बार और यहाँ पे डाल देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, एस डॉट और यहाँ पे नंबर इस तरीके से देख सकते हो मैंने कर दिया। इसके बाद आपको सिंपली थोड़ा स्पेस देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करना है। दोस्तों टैब बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप सबसे लास्ट में इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ पे डालनी है डेट, डेट डालनी और आपको यहाँ पे डॉट जो होता है डॉट 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 आपको इस तरीके से डॉट डॉट दबाते रहना, ठीक है। डॉट डॉट दबाएंगे तो आपका इस तरीके से अंडरलाइन से हो जाएगी, तो आपकी डेट यहाँ पे आ चुकी है। सॉरी मेरा जो एस है ना, एस मेरा थोड़ा स्मॉल रह गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर लेता हूँ इस तरीके से। अब अच्छा लग रहा है, ठीक। इसका दोस्तों आपने ये भी कर लिया। अब आप देखेंगे यानी कि आपने ऐसा सीरियल नंबर वगैरह भी लिख लिया, डेट वगैरह भी लिख लिया। अब आपको क्या करना, आप यहाँ पे इस तरीके से लेना होगा जो भी आपकी टेबल है, आप यहाँ पे टेबल लेनी होगी। चलो कैसे टेबल लेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो टेबल लेने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है इसमें कितनी टेबल है या आप कितनी टेबल बनाना चाहते हैं। जैसे इसमें 1, 2 यानी कॉलम कितने और रो कितनी है वो आप सबसे पहले गिनेंगे, यानी 1, 2, 3 और यहाँ पे 3 यानी 3 कॉलम है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 कॉलम ले लूँगा, 3 कॉलम और रो आपके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रो ले लूँगा। तो चलो कैसे लेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना, रो और कॉलम लेने के लिए आपको सबसे नीचे इस तरीके से आना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से आइए, या तो आप ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करके बना भी सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो, नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे कितने सेलेक्ट करने, 1, 2, 3 यानी मुझे कॉलम 3 सेलेक्ट करने। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहा कितने कॉलम मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने थे, यानी 1, 2, 3 यानी 3 कॉलम सेलेक्ट करने और रो कितने करने, 1, 2, 3, 4, 5 5 मुझे रो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से 1, 2, 3 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। इसके बाद 5 कॉलम 3, 4, 5 इस तरीके से, ठीक है, और आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे टेबल आ जाएगी। दोस्तों अब आपको क्या करना, देखो अब आपको यहाँ पे टेबल के बीच में जाएंगे तो आपका जो भी कर्जर होता है इस तरीके से बन जाएगा, देख सकते हैं एरो बन जाएगा, 2 एरो इस तरीके से। बनने के बाद आपको क्या करना, इसको पकड़ के नीचे खींचना होगा। कैसे खींचेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको इस तरीके से पकड़ के और नीचे इस तरीके से खींच देना, तो आपका इतना इतना यहाँ पे लाइन हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह लिखने के लिए। इसके बाद आपको इसको पकड़ के इस तरीके से नीचे खींच देना है, ठीक है, और इसको पकड़ के इस तरीके से कर देना है, तो आपके यहाँ पे पार्टिकुलर वगैरह हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। अब आपने देखा इतना हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, जो आपका एरिया है, ठीक है, आपको इसको मिटाना होगा इरेजर से। तो आप कैसे मिटा रहे हैं, आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इरेजर, आपको सिंपली इसको पर यहाँ पे क्लिक करके और आपको ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट करना है तीनों इस तरीके से लाइन को, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ये हट चुका है। हटने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, ये तो आपका हट चुका है, बस आपको यही हटाना है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ उस बेल को जो मैंने बनाया था, देख सकते हैं, यानी हमने बीच का एरिया हटा लिया। इस एरिया में ये वाला नहीं हटाना, ठीक है, ऊपर वाला हमने हटा लिया, इरेज कर लिया। इसके बाद नीचे वाला नहीं करना। अब आपको यहाँ पे पार्टी नेम वगैरह डालना और यहाँ पे एड्रेस डालना, तो चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे मुझे डालना है पार्टी नेम, तो मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा PART पार्टी, ठीक है, और नेम NAME इस तरीके, आपको डॉट डॉट दबाते रहना है। तो आपका क्या हुआ, आपका डॉट इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं डॉट 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 हो जाएगा, यानी नेम डालने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको दबा के रखता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो आपका जो एरिया दिखाई दे रहा है पार्टी नेम, ये थोड़ा हटके होना चाहिए, जो आपकी ऊपर वाली आउटलाइन है उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करना होगा। पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखा देगा B4 सबसे ऊपर वाला स्पेसिंग में, ठीक। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे 6 रख देना, 6 PT रख देना, तो इससे क्या होगा थोड़ा आपका नीचे हो जाएगा, देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे पार्टी नेम रख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस रखना होगा AD इस तरीके से, और आपको इसको भी यहाँ पे डॉट 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 कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा दबा के रखता हूँ और मेरा डॉट 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 इस तरीके से हो जाएगा, देख सकते हैं। तो अभी हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, देख सकते हैं मेरा हो चुका, नहीं हमने पार्टी नेम लिख दिया, एड्रेस वगैरह भी लिख दिया और मेरा लाइन स्पेसिंग भी हो चुकी है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना होगा। तो सीरियल नंबर जो होता है हमारा छोटे कॉलम में होता है, तो मैं इसको पकड़ के इस तरीके से और इसको छोटा कर लूँगा, इस तरीके से कर लूँगा, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको छोटा कर लिया। इसका दोस्तों जो हमारा पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। और जो ये भी मेरी लाइन है ना, देख सकते हैं, इसको भी आपको क्या करना, इसको भी स्पेसिंग देना होगा। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा SR यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक। मैं सिंपली यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, हाँ ठीक है, SR SN ठीक है, सीरियल नंबर। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एस
डॉट और एन, सीरियल नंबर भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आपको लिखना है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर इस तरीके से, और आपको यहाँ पे लिखना क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे खरीदोगे, क्वांटिटी शॉर्ट में लिख देना। इसके बाद रेट, इसके बाद टोटल अमाउंट हमारा कितना रहेगा। ठीक, AMOUNT अमाउंट इस तरीके से। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है, आपने पे सीरियल नंबर लिख दिया, पार्टिकुलर लिख दिया। आप पार्टिकुलर का जो यहाँ पे कॉलम होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो मैं सिंपली इसको पकड़ के इस तरीके से और थोड़ा इसको इस तरीके से बड़ा कर लूँगा, और रेट का भी यहाँ पे अमाउंट का भी थोड़ा छोटा कर दूँगा इस तरीके से, और रेट का भी थोड़ा छोटा कर दूँगा इस तरीके से, देख सकते हैं। और क्वांटिटी का मैं थोड़ा छोटा इसको भी कर दूँगा, देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे आपके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपका जो नीचे वाला ये लाइनर है इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देना इस तरीके से, और आपको क्या करना है इसको सबको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे स्पेसिंग दिखाई दी जाएगी, ठीक है, पेज लेआउट में। तो आपके यहाँ पे 6 PT कर देनी, 6 PT करेंगे तो आपका बीच में आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से, और बीच में आ जाएगा तो आपका सही तरीके से दिखाई देगा। ठीक दोस्तों, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, तो बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, मैं सिंपली बोल्ड करना चाहता हूँ इसको, इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पे होम टैब के ऊपर क्लिक करके बी को प्रेस कर देना, बी को प्रेस करें तो आपका बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। ठीक, देख सकते हैं आपने यहाँ पे इतना यहाँ पे बिल बना लिया। अब आपको क्या करना है, देख सकते हैं आपने यहाँ पे ये तो सारा कर लिया, इसको आपको क्या करना है, इसको पकड़ के आप थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब आपकी जहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वगैरह वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपकी थी, जैसे आप यहाँ पे कितनी टर्म एंड कंडीशन लिखना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बिल में दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखें, देख सकते हैं ये तो आपका फॉर्मेट पूरा बन चुका है। बनने के बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा टर्म एंड कंडीशन, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आप लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल सी किया और मैं सिंपली यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा देख सकते हैं मेरे इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन हो जाएंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे टोटल का साइन बनाना होगा, टोटल का साइन आप कैसे बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये साइन आप कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इनसेट के ऊपर क्लिक करना होगा, टेबल के ऊपर क्लिक करना होगा, और आपको यहाँ पे ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, आपको इसको पकड़ के इस तरीके से आपको कर देना, देख सकते हैं। अभी देखो ये मोटी लाइन आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करना चाहें तो मोटी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके ऊपर दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से लाइन, आपको थोड़ा सा इसको पतला कर देना, और आपको इरेजर के ऊपर क्लिक करके इसको इरेज कर देना इस तरीके से, और आपको सॉरी यहाँ पे इरेज वाला हो चुका, ठीक है। आपको क्या करना, आपको ड्रॉ के टेबल के ऊपर क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे लाइन इस तरीके से खींच देना, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खींच दी, अब आपकी लाइन यहाँ पे सही आ चुकी है। अब दोस्तों आपको इरेजर के ऊपर क्लिक करके आपको बीच वाली लाइन को इसको इरेज कर देना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है टोटल, ठीक है, टोटल इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आपको क्या करना, पकड़ के और यहाँ पे होम टैब के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर देना इसका साइज, इस तरीके से देख सकते हैं टोटल का साइज बड़ा कर देना, और पे लेआउट के ऊपर क्लिक करके और आपको यहाँ पे स्पेसिंग 6 PT कर देनी है इस तरीके से, और आपको थोड़ा यहाँ पे क्या करना, यानी स्पेस बार से इसको थोड़ा आगे खिसका देना बीच में इस तरीके से, ठीक है, और आपका टोटल इस वाले कॉलम में हो जाएगा जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपका ये कॉलम है ना, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, जैसे मैं क्या करूँगा, बड़ा करने के लिए आपको इसको पकड़ के इस तरीके से नीचे कर देना ऐसे, ठीक, ऐसे आप नीचे करेंगे ना, तो आपको ये तो हमारा नीचे हो चुका है, अब आपको इसको पकड़ के इस तरीके से नीचे कर देना, देख सकते हैं मैंने इसको नीचे यहाँ पर कर दिया, तो आप ऐसे भी यहाँ पर नीचे ऊपर करके देख सकते हैं, जैसे मेरा ज़्यादा नीचे हो चुका है तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, क्योंकि ये दूसरे पेज पर हमारा डाटा जा रहा था, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा नीचे लिख दूंगा टोटल जो हमारा है टोटल, ठीक है, टोटल इस तरीके से नीचे लिख दूंगा, और ऊपर वाला जो लाइन है मेरी इसको पकड़ के करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते मेरे इस तरीके से यहाँ पे टोटल हो चुका है, और आपका नीचे ये भी लिख चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों जो हमारा बिल था बन के तैयार हो चुका है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा लग रहा है, देख सकते हैं GSR बजरंग कंप्यूटर, और आपके यहाँ पे डेट वगैरह हो जाएगी, नंबर वगैरह आपके हो भी चुके हैं, GST नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है, और सीरियल नंबर आपके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, बाद में लिखेंगे जब आपके यहाँ पे जो बिल वगैरह प्रिंट हो जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से।
देख सकते हमारा यानी कि पार्टिकुलर वगैरह हो चुका है। पार्टिकुलर का जो कॉलम होता है आपको बड़ा ही रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट वगैरह इस तरीके से, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पे हो भी जाएगा, टोटल आप बोल्ड करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोल्ड इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो और भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे साइन वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू करके इसको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, होम के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तरीके से प्रिंट के ऊपर। इसके बाद आपको दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो देख सकते हैं आपका जो बिल है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते इस तरीके से आपका बिल, देख सकते इस तरीके से आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रिंट में, आपका जो बिल है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना भी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हैं बहुत ही मस्त बिल लग रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे दी है, जैसे ये दी है, ठीक है। और यहाँ पे और भी आप बीच में रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लगा सकते हैं। यानी फॉर्मेटिंग है, जिस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करेंगे आपका बिल एकदम अच्छी तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से बॉर्डर वगैरह जरूर लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन मार के ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि इस तरीके की और वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।